नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिकल एनालिसिस के बारे में देखेंगे, किस प्रकार से हम JASP सॉफ्टवेयर में स्टैटिकल एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, स्पेशली डिस्क्रिप्टिव नेचर के स्टैटिकल एनालिसिस की बात करें। सबसे पहले हम हमारी प्रॉब्लम को समझ लेते हैं जिसको हमें JASP सॉफ्टवेयर में सॉल्व करना है। इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास 600 पार्टिसिपेंट्स का डिस्क्रिप्टिव डेटा है, स्पेशली उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जैसे एज, एज ग्रुप, जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम्स, एक्सीडेंट फेसेस, डेली एवरेज ट्रेवल और टाइप ऑफ व्हीकल यूज्ड, इससे रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इसी प्रकार से हमारे पास कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स के कारण, रोड यूजर अवेयरनेस ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशंस, एनफोर्समेंट फैक्टर्स और इंजीनियरिंग फैक्टर से रिलेटेड भी 600 पार्टिसिपेंट्स का डेटा अवेलेबल है। बेसिकली यह स्टडी 600 पार्टिसिपेंट्स के अमोंग परफॉर्म की गई है और इसमें यह जानने की कोशिश की गई है कि रोड पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले जिन पार्टिसिपेंट्स को हमने सेलेक्ट किया है उन पार्टिसिपेंट्स की डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है इस प्रॉब्लम के अंदर, और उसके बाद 4 स्पेशल सेक्शंस में उनसे क्वेश्चंस पुट किए गए हैं सर्वे के दरमियान। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करता हूँ कि एज ग्रुप की या जेंडर की, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1, 2, 3 हमने स्केलिंग बेस्ड के ऊपर इनको एक नंबरिंग दे रखी है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा। जैसे हम जब किसी पार्टिसिपेंट के पास गए तो हमने उसको बोला, भाई आपका एज ग्रुप क्या है वो हमें बताइए, आपका जेंडर क्या है, तो हमने उसको स्केलिंग में कन्वर्ट करा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को हमने 5 पॉइंट्स में कन्वर्ट करा। फर्स्ट का मतलब आप 10th तक पढ़े हुए हैं, 2 का मतलब 12th पास है, 3 का मतलब आप ग्रेजुएट हैं, 4th का मतलब आप PG कर रखी है आपने, और 5th का मतलब अदर्स है। इसी प्रकार से ऑक्यूपेशन को भी हमने कुछ स्केल्स में बांटा, आप स्टूडेंट हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, ड्राइवर का है। इसी प्रकार से इनकम को भी हमने 5 ग्रुप्स में बांटा है। एक्सीडेंट के टाइप फेसेस जो पार्टिसिपेंट ने देखे हैं उसको भी हमने 5 ग्रुप में बांटा, जैसे सेल्फ, खुद के साथ ही कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या, अदर के एक्सीडेंट को होते हुए देखा है क्या, कोई किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट नहीं देखा, फैमिली मेंबर में किसी के साथ एक्सीडेंट को आपने फेस किया है क्या, या न्यूज़ या आपने न्यूज़ को या देखा या सुना है न्यूज़ के अंदर एक्सीडेंट के बारे में, डेली एवरेज ट्रेवल आपका रोड पे कितना रहता है, 2.5 किलोमीटर से कम है, 2.5 से 5 है, या 5 से 10 है, या 10 से 15 है, तो हमने इन सबको स्केल में बांटा है और उसी स्केल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे हमारे डेटा को कन्वर्ट करा है। इसी प्रकार से अगर हम कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स में जाएंगे तो उसके भी हमने इस तरीके से 10 सेक्शंस बनाए, तो हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये किया है और 600 लोगों का हमारे पास सर्वे का डेटा इस एक्सेल शीट में आ चुका है। अब इस एक्सेल शीट को हमें डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में यूज करके इसके एनालिसिस को परफॉर्म कराना है। हमें देखना है कि किस प्रकार से स्टैटिकली ये रिजल्ट हमें क्या कहना चाहते हैं। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले आपके एक्सेल का जो भी डेटा आपने सेव किया है, और सबसे पहले उसके टाइप को चेंज करके आपको उसको CSV फॉर्मेट के अंदर सेव करना होगा। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। जब भी आप JASP सॉफ्टवेयर में काम करेंगे तो CSV फॉर्मेट में ही आपको अपनी शीट को लेकर आना है। जो CSV फॉर्मेट में आप शीट को सेव करेंगे उसको आप अपने फोल्डर में डाल लेंगे, और यहाँ पे ये 3rd नंबर का हमारा शीट है, सर्वे रोड यूजर डाटा CSV, जिसमें 600 पार्टिसिपेंट्स का हमने डेटा शो किया है। अब हमें JSP में कैसे इस काम को करना है, सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, अब हमें इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको अपने डेटा को इंपोर्ट कराना है जो CSV फॉर्मेट की फाइल में ऑलरेडी प्रेजेंट है। डेटा इंपोर्ट कराने के लिए हमेशा JSP में आपको ओपन विंडो में जाना है और जिस जिस तरीके से भी आपके पास डेटा अवेलेबल है उस तरीके को यूज करना है। जैसे कंप्यूटर पे डेटा है तो आप ब्राउज जाकर उसको ले सकते हैं, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डेटा है तो वहां से ले सकते हैं, और किसी डेटाबेस में आपका डेटा पड़ा हुआ है तो आप वहां से भी इसको यूज कर सकते हैं। हमारे केस में हम डेटा कंप्यूटर से उठा रहे हैं तो कंप्यूटर पे जाके ब्राउज में जाना है हमें, और यहाँ पर आपका जो भी फोल्डर होगा उसको ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद जिस भी CSV फाइल को आपको यूज करना है उस पर क्लिक करके उसे ओपन कर लेना है। ऐसा करने से आपकी जो CSV फाइल होगी वो इम्पोर्ट हो जाएगी। CSV फाइल इंपोर्ट होने के बाद वो CSV फाइल का ये प्रीव्यू आपको दिखाने लगेगा, जिसके अंदर एज इट इज आपका वो पूरा डेटा मौजूद होगा जो आपने CSV फाइल में डाला था। अब यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जब हम JSP सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऑपरेशंस में से कुछ रिक्वायर्ड ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं
तो जेएसपी तीन तरीके से डेटा को देखता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये तीन तरीके से डेटा को देखता है, स्केलिंग बेस्ड डेटा, ऑर्डिनल बेस्ड डेटा और नॉमिनल बेस्ड डेटा। तो कई बार स्टडी में, जेएसपी की स्टडी में हमें ये देखना पड़ता है कि हमें स्केल बेस्ड डेटा रखना है या नॉमिनल बेस्ड रखना है या ऑर्डिनल बेस्ड रखना है, ये आपकी प्रॉब्लम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, डेटा ग्रुप को चेंज करने के लिए आप, जैसे मुझे एज ग्रुप जो है मेरा वो नॉमिनल फॉर्म में है, तो मैं उसको स्केलिंग पे क्लिक करूंगा तो वो स्केलिंग कैटेगरी में डेटा को चेंज कर देगा। तो ये हमें देखना होता है। इस प्रकार से हमें सबसे पहले हमें डेटा ग्रुप के अकॉर्डिंग हमें इसको चेंज कर लेना है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ सिमुलेशन टाइप। बट हमारे केस में हम डायरेक्ट ही जा रहे हैं और हमारा जो पहला पार्ट है सिमुलेशन का वो यही है कि हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिकल एनालिसिस को देखना चाहते हैं इस डेटा का। तो अब हमें करना क्या होगा, शीट को इंपोर्ट कराने के बाद आपको डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिकल वाला एक सेक्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे कुछ प्रीव्यू देखने को मिलेगा। ये जो प्रीव्यू है ये आपके रिजल्ट का प्रीव्यू है और यहाँ पर ये जो ऊपर की तरफ आपको जो प्रीव्यू दिख रहा है ये इसके कोडिंग का प्रीव्यू है कि ये किस प्रकार से अपने कोड को परफॉर्म करता है। मेजोरिटी में ये आर लैंग्वेज को यूज करके स्टैटिकल एनालिसिस को परफॉर्म करता है। तो हम वापस से डिस्क्रिप्टिव में आ जाएंगे। जब भी मैं कोई सेक्शन इसके अंदर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मुझे देखने को मिलते हैं, जैसे शो सिंटेक्स आर। मैं अगर इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा सिंटेक्स आर जो होगा, आर का जो भी सिंटेक्स ये यूज कर रहा है जो यहाँ पे भी शो हो रहा है उसको शो करने लग जाएगा। मैं इसके टाइटल को एडिट भी कर सकता हूँ। इसी प्रकार का मैं डुप्लीकेट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिकल एनालिसिस भी यूज कर सकता हूँ जिसमें मेरा एक्सेल का डेटा एडिटेड आएगा। इसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है कि ये क्या एनालिसिस होता है तो यहाँ से, और अगर ये गलती से आपने एनालिसिस को ऑन कर दिया है तो ये इसको भी ऑफ कर देता है। इसको करने के बाद आपको बेसिकली तो अब ये देखना बहुत जरूरी है कि हमने जो एक्सेल की शीट सीएसवी फॉर्मेट में इंपोर्ट कराई थी वो उसके पूरे के पूरे जो सेक्शंस हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ये वाले सेक्शंस जिन जो नाम लिखा हुआ है, एज ग्रुप, जेंडर, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम, इनकम ग्रुप, टाइप ऑफ व्हीकल यूज, ये एज इट इज यहाँ पर हमें शो हो जाने चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पे ये टाइप ऑफ डेटा भी हमें बताता है कि स्केल है, ऑर्डिनल है या नॉमिनल ग्रुप है। अब हमें करना क्या होता है, जब हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं, वेरिएबल्स एंड स्प्लिट। जो भी चीज़ आप वेरिएबल में यहाँ से लेकर आएंगे उसका ये स्टैटिकल एनालिसिस परफॉर्म करके हमें देखने लगेगा। अब स्टैटिकल एनालिसिस में ये हमें क्या क्या बताने वाला है, बाई डिफॉल्ट ये वैलिड डेटा कितना है आपके पास। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 600 पार्टिसिपेंट्स का हमने डेटा यूज किया था तो ये उसको काउंट करेगा। मिसिंग डेटा कितना है, मिसिंग का मतलब है कि आपने कोई शीट ली और यहाँ पर ये इस शीट में ये पर्टिकुलर शीट के अंदर डेटा ही फिलिंग नहीं है तो ये इसको काउंट करके हमें बता सकता है कि मिसिंग डेटा कितना है। मीन आपके डेटा का बताएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बता देगा, मिनिमम डेटा क्या है, मिनिमम रेंज क्या है आपके डेटा की और मैक्सिमम रेंज क्या है आपके डेटा की, स्पेशली वेरिएबल के अकॉर्डिंग बात हो रही है। जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करता हूँ तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और मैक्सिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है ये बता देगा, ये डिफॉल्ट है। आपको इसके अलावा इसके अंदर कोई चीज़ का सिमुलेशन या स्टैटिकल एनालिसिस परफॉर्म करना है तो आप स्टैटिक्स में जाकर आप अलग अलग टाइप के, तो देखिए ये जो डिफॉल्ट्स हैं ये ऑलरेडी ऑन है इसके अंदर, बट आपके पास क्या क्या फैसिलिटी, आप क्वार्टरलाइज बेस्ड डेटा भी निकाल सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड डेटा का एनालिसिस भी परफॉर्म करा सकते हैं, आप डिस्पर्सन निकाल सकते हैं, आप इंटरफेसेस निकाल सकते हैं यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल भी अपने डेटा का आप आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके सारे ऑप्शंस हैं, हम इसको सबसे पहले करके देखते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है स्प्लिट करना। स्प्लिट का मतलब होता है कि मेरे पास जितना भी डेटा है अगर मैं इस शीट को देखता हूँ तो इस डेटा को मैं स्प्लिट अगर करना चाहूँ और ये देखना चाहूँ कि जेंडर वाइज ये डेटा किस तरीके से बटा हुआ है, यानी जेंडर वन का मतलब हो गया मेल और टू का मतलब हो गया फीमेल, तो टोटल 600 पार्टिसिपेंट्स में से कितने मेल हैं और कितने फीमेल्स हैं और उनके एज ग्रुप, उनकी क्वालिफिकेशंस, उनके ऑक्यूपेशंस, उनके इनकम, उनको अगर मैं जेंडर वाइज देखना चाहूँ तो उसको हमें डेटा स्प्लिटिंग में डालना पड़ता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, इसमें डेटा स्प्लिटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें करना कैसे। हम एज ग्रुप पे क्लिक करेंगे, जेंडर, जैसे जैसे आपको जो जो वेरिएबल स्टैटिकल एनालिसिस में लेना है उनको आपको वेरिएबल वाले सेक्शन में पहुंचा देना है। तो यहाँ तक का डेटा, टाइप ऑफ व्हीकल यूज तक का मुझे डेटा लेना था, ये वाला डेटा मैंने छोड़ दिया है क्योंकि ये हमारा रिजल्ट है और ये हमारा डेमोग्राफिक एनालिसिस है। तो टाइप ऑफ व्हीकल यूज, डेली एवरेज कितना है रोड पर, एक्सीडेंट उन्होंने देखा या नहीं देखा, इनकम उनका क्या है। अब इनकम ग्रुप का मतलब क्या है यहाँ पे समझने के लिए शीट में जाएंगे तो इनकम ग्रुप में यहाँ पे लिखा हुआ है तो 1, 2, 3, 4, 5 की हमारी कैटेगरी है
और यहीं पे सारा आ गया। तो आप देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिकल एनालिसिस में वैलिड हमारे 600 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, मिसिंग डेटा हमारी सीट में कुछ भी नहीं है, ये जीरो रहता है तो वेल एंड गुड है, तो हमारे को मिसिंग डेटा की को शो करने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से मिसिंग डेटा को हटा दूंगा। उसके अलावा मीन मेरा कितना आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन मिनिमम और मैक्सिमम आ रहा है। अब मैं ये जो मेरे पास डेटा ग्रुप आया है ये पूरे के पूरे 600 पार्टिसिपेंट्स का एक साथ आया हुआ है। अब इसमें मैंने जेंडर को भी यहाँ पे शो कर रखा है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जेंडर के अकॉर्डिंग मेरा एज ग्रुप का क्या रिजल्ट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्या रिजल्ट है, ऑक्यूपेशन का क्या रिजल्ट है, इनकम ग्रुप जेंडर वाइज क्या आ रही है, एक्सीडेंट फेसेस जेंडर के अकॉर्डिंग। तो मैं करूंगा क्या, इस जेंडर ग्रुप पे क्लिक करके और इसको सिंपली स्प्लिट कैटेगरी में डाल दूंगा। जब मैं इस जेंडर को स्प्लिट करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे एज ग्रुप दो सेक्शन में बढ़ चुका है, वन एंड टू। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी वन एंड टू में बढ़ चुकी है, वन रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को, टू रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल को। आप इसको चाहे तो यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, वन रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को, टू रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल को। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, स्प्लिट कर सकते हैं आप किसी भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, बट स्प्लिट करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि किस चीज को स्प्लिट किया जाए ताकि जो रिजल्ट आए वो प्रॉपर आए आपके पास। उसके बाद ऑक्यूपेशन, इनकम, एक्सीडेंट फेसेस, डेली, सब कुछ आपका डेटा स्प्लिट हो चुका है। एक फैसिलिटी और यहाँ पर है, अगर आपकी टेबल बहुत ज्यादा बड़ी होने लगती है और आप जब इसको अपने रिसर्च के अंदर यूज करना चाहेंगे और ये काफी बड़ी है और इसकी फॉर्मेटिंग में इशू आ रहा है, तो आप इसको ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। ट्रांसपोज करने से होगा क्या, आपके जो पैरामीटर जो वर्टिकल चल रहे थे वो अब रॉ फॉर्म में आ जाएंगे, और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। स्प्लिट कैटेगरी को हटाना चाहे तो स्प्लिट कैटेगरी हटके कुछ इस प्रकार से आपकी टेबल हो जाएगी। जो भी स्टैटिकल टूल्स आपको चाहिए, जैसे आपको मीन का कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना है तो आप इस पे क्लिक कर देंगे तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन का अपर और लोअर लिमिट भी आपको शो करने लगेगा। मेथड इसने जो यूज किया है वो भी इसने बता दिया है कि आप टी मॉडल, नॉर्मल मॉडल या बूटस्ट्रैप मॉडल को भी यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की इसके अंदर फैसिलिटी दी गई है। इसके बाद आप जब डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस इसमें परफॉर्म कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप प्लॉटिंग भी कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे प्लॉट्स के ऑप्शन है, पर जरूरी नहीं है हर डेटा में हर प्लॉट काम में आता है। जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं पाई चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये पाई चार्ट का केवल कुछ सेलेक्टिव रिजल्ट हमें ये दिखाने लगेगा इस प्रकार से। ये देखिए जेंडर के अंदर जाएंगे तो हमें साफ पता चल रहा है कि जेंडर वन का परसेंटेज ज्यादा है बजाय जेंडर टू के। टाइप ऑफ व्हीकल यूज्ड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला जो फोर्थ नंबर की कैटेगरी है ये ज्यादा है, तो इसमें आप पाई चार्ट भी डेवलप कर सकते हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। इसके अलावा आप डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स भी बना सकते हैं। जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स की बात करूंगा तो एज ग्रुप कितने ग्रुप में बटा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, और ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन आता है 600 पीपल्स का, ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब 1, 2, 3, 4, 5 क्या है उसके लिए हमारे को पता होना चाहिए कि एज ग्रुप में 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बहुत ईजिली आपको प्लॉटिंग भी करके देता है। जब आपके पास कोई रिजल्ट आता है इस सॉफ्टवेयर में तो इसको इस रिजल्ट को अपने सॉफ्टवेयर में अपने पार्ट अपने डॉक्यूमेंट में ले जाना भी बहुत आसान है। जब भी आपको कोई रिजल्ट में से कोई भी चीज़ को कॉपी या पेस्ट करना है तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में जाएंगे और यहाँ पे देखिए कॉपी ऑप्शन आता है और इसको आप कॉपी कर सकते हैं और बहुत आसानी से ये पूरा कॉपी भी होगा। इसी प्रकार से अगर आपको प्लॉट को लेके जाना है तो आप उसको सेव इमेज भी कर सकते हैं। प्लॉट में आपको कुछ चेंजेस करने तो एडिट इमेज का ऑप्शन भी आपको देता है। जैसे मैं एडिट इमेज में जाऊंगा तो एज ग्रुप अगर मुझे चेंज करना है तो एज ग्रुप माई स्टडीज में अगर डालता हूँ, कुछ भी जो भी आपको चेंज करना है, और जब आप उसको ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि एज ग्रुप माई लिखा हुआ आ जाएगा। और यहाँ पे आप जाके सेव इमेजेस भी कर सकते हैं, इसको PNG फॉर्म में ये इमेज आपको सेव करके दे देगा। और अच्छा ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, 300 DPI टेस्ट इमेज भी आपको दे देता है, तो ये अच्छी क्वालिटी की इमेज भी हमें इसके अंदर आसानी से मिल जाती है। तो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर हमने दो चीजें देखी, हम वेरिएबल्स में जा सकते हैं, वेरिएबल्स में से किसी भी वेरिएबल को हम स्प्लिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम कस्टमाइज हम सिंपल बेसिक प्लॉट्स भी जनरेट कर सकते हैं, पर ये प्लॉट्स डिपेंड करते हैं कि आपके डेटा में सूटेबल है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ये प्लॉट्स डेवलप होते हैं। और जो प्लॉट आपको नहीं चाहिए आप उनको हटा भी सकते हैं। उसके बाद आप कस्टमाइजेशन प्लॉट्स में भी जा सकते हैं, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। जैसे आपको स्कैटर्ड बॉक्स प्लॉट चाहिए तो आप जैसे बॉक्स प्लॉट में क्लिक करेंगे तो ये आपको हर वेरिएबल के अकॉर्डिंग उसका बॉक्स प्लॉट बना के देगा। अब यहाँ पर आपको बॉक्स प्लॉट को रीड करने की कैपेबिलिटी आनी चाहिए। तो कस्टमाइज प्लॉट्स के भी बहुत डिटेल्ड इसने ऑप्शन दिया हुआ है, हम नेक्स्ट वीडियो में प्लॉटिंग के ऊपर और डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा आप इसमें टेबल्स में भी स्पेशल रिजल्ट ले सकते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी टेबल। अब जब मैं फ्रीक्वेंसी टेबल पे जाता हूँ तो एज ग्रुप के जो 1, 2, 3, 4, 5 जो मैंने स्केलिंग ली है उसके ये फ्रीक्वेंसीज हमें बता देगा
कि 138 लोग जो हैं 600 पार्टिसिपेंट्स में से वो एज ग्रुप वन में आते हैं, 99 जो है वो एज ग्रुप फोर में आते हैं। इसी प्रकार से ये हर सेक्शन का फ्रीक्वेंसी टेबल भी हमें जनरेट करके दे देता है। तो ये काफ़ी अच्छे से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिकल एनालिसिस परफॉर्म करके देता है ये सॉफ्टवेयर। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू।